देश में बने कड़े कानून के बाद भी महिला उत्पीड़न के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामले उधम सिंह नगर के जसपुर के हैं, जहां एक नहीं दो मामले पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर पोक्सो एक्ट के तहत जेल भेजा है। आपको बता दें, जसपुर में एक बार फिर दो नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले प्रकाश में आए हैं। पहला मामला कोतवाली क्षेत्र के ग्राम आमका बढ़ियों वाला निवासी युवक का है। आरोप है कि आरोपी ने क्षेत्र की ही एक नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर भगा ले गया, जबरदस्ती करने की कोशिश की। वहीं दूसरा मामला भी कोतवाली क्षेत्र के सचिन नामक युवक का है, जिसमें अभियुक्त द्वारा एक नाबालिग युवती के साथ छेड़छाड़ कर उसके साथ बलात्कार करने के प्रयास के आरोप लगे हैं। पुलिस ने दोनों आरोपों के मामले में पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया और कार्रवाई की है। आपको बता दें, कोतवाल अब्दुल कलाम ने बताया कि दोनों मामलों के दोनों आरोपियों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को न्यायालय पेश किया गया है, जहां दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। इससे पूर्व भी महिला उत्पीड़न के कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं। महिला सुरक्षा को बने कानून ज़रूर हैं, बावजूद इसके लगातार होती हैं घटनाएं, कानून को मुंह चिढ़ाती नज़र आ रही हैं। जसपुर से मोहम्मद वसीम, लाइव अभी तक। हमारे कोतवाली में दो अभियुक्त पंजीकृत हुए हैं। एक आमका गांव पड़ता है, वहां से पंजीकृत हुआ था पोक्सो एक्ट के तहत, धारा 366। वहां एक अभियुक्त सचिन नाम का, जिसके द्वारा एक नाबालिग लड़की महिला को सलाह दिया गया, उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। और एक कल हमारी कोतवाली में एक अभियुक्त पंजीकृत हुआ था, एक खानी केतन कुमार है, इसके द्वारा एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ की गई, उसके बलात्कार का प्रयास किया गया। पोक्सो एक्ट के तहत जिसके अभियुक्त पंजीकृत किया गया था, उसको गिरफ्तार किया गया।